मार्केट में एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है कि हमें कौन सा करना चाहिए, कौन से कोर्स में हमें जाना चाहिए, हमें MBA इन मार्केटिंग करना चाहिए या डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए। एक्चुअली MBA मीन्स ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। सो आज का जो दौर है ये डिजिटल मार्केटिंग का है। हेलो एवरीवन, मैं मधुमिता गोस्वामी, एंटरप्रेनर एंड डायरेक्टर ऑफ आरआर रिटेल सूत्र, स्वागत करती हूँ आपको इस वीडियो में। आज हम डिस्कशन करेंगे MBA इन मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग, किस पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है और कौन सा ऑप्शन हमें चूज करना चाहिए अपने करियर के ग्रोथ के लिए। मार्केट में एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है कि हमें कौन सा करना चाहिए, कौन से कोर्स में हमें जाना चाहिए, हमें MBA इन मार्केटिंग करना चाहिए या डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए, कहाँ पे हमारे स्कोप ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे ज़्यादा है। ये यंग जनरेशन में एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है और इस कन्फ्यूजन को क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं MBA इन मार्केटिंग की। MBA इन मार्केटिंग इज़ ए ट्रेडिशनल वे टू लर्न मार्केटिंग। अगर आप ट्रेडिशनल वे में 2 साल के लिए मार्केटिंग सीखते हैं तो मार्केटिंग की जो गुत्थी है उस पर जितने भी छोटे छोटे चीज़ें हैं, बड़े बड़े चीज़ें हैं, जितने पॉइंट हैं, हर एक पॉइंट को आप अच्छे से सीख जाते हैं, क्योंकि 2 साल एक एनफ टाइम होता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी को ट्रेडिशनल वे में सीखने के लिए। तो अगर आपको मार्केटिंग को ट्रेडिशनल वे में सीखना है तो इसके लिए तो MBA बेस्ट ऑप्शन है ही, ये हमें समझ में आ गया। अभी बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल वे में, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए कोई भी बिजनेस को, कोई भी ब्रांड को आगे लेके जाने के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो यूज़ होता है वो होता है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लाइक गूगल, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब। एक्चुअली MBA मीन्स ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंस है। बट MBA के अंदर बुक की नॉलेज, जो थियोरिटिकल नॉलेज होता है वो ज़्यादा दिया जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर प्रैक्टिकल वर्क, प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा रहता है। वहाँ पे आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली सीखने का और उसको इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलता है। तो डिजिटल मार्केटिंग पूरा का पूरा प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर, पूरा का पूरा रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क के ऊपर डिपेंडेंट होता है। एज ए स्टूडेंट आप कहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, इससे ज़्यादा मैटर करता है कि आप जो सीख रहे हैं उसको कितना आप प्रैक्टिकली यूटिलाइज कर रहे हैं, कितना आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, कितना आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जो भी आप सीखेंगे उसको कहीं ना कहीं आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। और अगर आप अर्निंग की सोच रहे हैं अपने स्किल्स के जरिए तो वहाँ पे तो प्रैक्टिस ज़रूरी है ही है। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि मार्केट की डिमांड कहाँ पर है, मार्केट को क्या ज़रूरत है, कहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है आज और आने वाले कल के लिए। तो अगर हम मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, ऑप्शंस की बात करें, तो वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, क्योंकि आज ट्रेडिशनल वे में मार्केटिंग कम होता है, क्योंकि ट्रेडिशनल वे में कोई भी बिजनेस मार्केटिंग करना नहीं चाहते, कोई भी ब्रांड मार्केटिंग नहीं करना चाहते, क्योंकि ट्रेडिशनल वे में जितना एक्सपेंसेस होता है उतना ROI रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। और इसीलिए जब से इंटरनेट का बूम आया है तब से डिजिटल मार्केटिंग बूम में है और डिजिटल मार्केटिंग में आने वाले टाइम पे भी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। और जो लोग आज कन्फ्यूजन में है कि MBA इन मार्केटिंग करना है या डिजिटल मार्केटिंग करना है, वो सारे लोग यंग जनरेशन के हैं, वो स्टूडेंट्स हैं। और स्टूडेंट के लिए, वो सारे स्टूडेंट्स आज के दौर में जो लोग स्टूडेंट हैं वो इंटरनेट फैमिलियर होते हैं, और एक इंटरनेट फैमिलियर इंसान के लिए डिजिटल मार्केटिंग सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। और डिजिटल मार्केटिंग में रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना, एक डिजिटल मार्केटर बाय प्रोफेशन बनना कोई भी टफ काम नहीं है। तो अगर आप अपने करियर की ग्रोथ चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके लिए ज़्यादा ऑप्शंस खुले, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग के लिए जाना चाहिए। मैंने बोल दिया कि डिजिटल मार्केटिंग अच्छा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि MBA इन मार्केटिंग गलत है, बुरा है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि मार्केट की डिमांड कहाँ पर है और अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा कहाँ पर है, क्योंकि समय समय के साथ सब कुछ चेंज होता है। एक टाइम था जहाँ पे MBA इन मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा बूम था, वहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज थे, जॉब थे, करियर थे, ग्रोथ था, सब कुछ था। और आज का टाइम है 2021 और आने वाले टाइम पे जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग बूम में है, तो आने वाले कल के लिए भी डिजिटल मार्केटिंग ही बूम में रहेगा, क्योंकि डिजिटली कोई भी ब्रांड को आगे बढ़ाना
किसी भी बिजनेस के अंदर डिजिटल मार्केटिंग करना और बिजनेस की ग्रोथ करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। जैसे समय के साथ साथ सब कुछ चेंज होता है, ऐसे ही समय के साथ साथ हम इंसान को भी अपने आप को अपडेट करना चाहिए, समय के साथ हमें चलना चाहिए, तभी हमारा करियर सेफ रहेगा। चाहे हमारा करियर जॉब में हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हो या बिजनेस में हो। सो आज का जो दौर है ये डिजिटल मार्केटिंग का है। सो आई होप आपको आपके क्वेश्चन का, आपके कन्फ्यूजन का जवाब मिल गया होगा और आपका जो कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा। जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है वहीं पे हमें अपने आप को शिफ्ट करना चाहिए, उन स्किल्स को हमें अडॉप्ट करना चाहिए और समय के साथ चलना चाहिए, तभी हम अपने करियर पे ग्रोथ ले सकते हैं, अपने करियर को सेव कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिला है तो इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि कोई भी स्टूडेंट की कोई कन्फ्यूजन हो तो इस वीडियो के जरिए वो अपने कन्फ्यूजन को क्लियर कर पाए और एक राइट डिसीजन ले पाए और अपने करियर पे ग्रोथ कर पाए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हम डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा अपलोड करते रहते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।